Welcome students, in today's video our today's topic is calculation of new profit sharing ratio part 1 and chapter is retirement / death of a partner. देखिए जो पहला केस है रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, उसको नाम दिया है मैंने नो अदर इन्फॉर्मेशन केस। जैसे आपके एडमिशन वाले चैप्टर में नो अदर इन्फॉर्मेशन था, वैसे ही यहां पे रिटायरमेंट और डेथ में भी नो अदर इन्फॉर्मेशन केस है। क्या है ये केस, इसको देख लेते हैं। देखिए दिस इज द इजीएस्ट सिचुएशन फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन रिटायरमेंट एंड डेथ। इन दिस केस द रिमेनिंग रेशियो इज ट्रीटेड एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। देखिए ये इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर भी पार्टनर का जो रेशियो होगा वो गिवन होगा और किसी एक पार्टनर का या तो रिटायरमेंट दिखाया जाएगा क्वेश्चन में या उसकी डेथ हो जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो बड़ा इजिएस्ट केस है, इसके अंदर वो जो दो पार्टनर है उनका फिर जो रिमेनिंग रेशियो आपस में बच जाता है वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है और वही उनका आपका गेनिंग रेशियो माना जाता है आपके। तो एक एग्जांपल से आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, नाउ सी टैक्स रिटायरमेंट ऑन 1 अप्रैल 2020, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब देखिए यहां पर सी रिटायरमेंट ले रहा है और बाकी ए और बी का नया रेशियो क्या होगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये नो अदर इन्फॉर्मेशन केस हो गया। अब कैसे हम नया पीएसआर निकालेंगे इसमें और कैसे गेनिंग रेशियो होगा, तो देखिए इन दिस क्वेश्चन वी हैव एबीसी 3:1। देखिए सी इज नाउ रिटायरिंग एंड नथिंग इज मेंशन अबाउट द रेशियो आफ्टर सी। सी के रिटायरमेंट के बाद में ए और बी का क्या रेशियो होगा कुछ नहीं बोला हुआ है। तो इन दिस केस द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी देयर म्यूचुअल रेशियो विच इज 3:2। देखिए मैंने क्वेश्चन में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, देखिए ए बी सी है, सी तो रिटायरमेंट ले रहा है, ए और बी का देखिए बोल्ड लेटर्स में 3:2 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो अब ए और बी का जो नया रेशियो है वो क्या हो जाएगा, जो नया रेशियो है ए और बी का वो अब आपका 3:2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशियो भी ये 3:2 ही माना जाता है इस इक्वेशन के अंदर। तो ये बहुत इजीएस्ट इक्वेशन है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही इक्वेशन नॉर्मली रिटायरमेंट और डेथ में बहुत पूछी जाती है, ये बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, आपको इसको देखते ही समझ जाना है आपको कि अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचा वही उनका नया रेशियो माना जाता है और वही उनका गेनिंग रेशियो माना जाता है आपके। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। देखिए एबीसी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2, नाउ बी टेक्स रिटायरमेंट ऑन 1 अप्रैल 2020, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर भी हमें कुछ नहीं बोला है बी के रिटायरमेंट के बाद में ए और सी का क्या रेशियो होगा। तो बी का एबीसी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3:2 है। अब नाउ बी रिटायर हो रहा है और कुछ भी मेंशन नहीं है बी के रिटायरमेंट के बाद में क्या रेशियो रहेगा ए और सी का। तो देखिए ए और सी को मैंने बोल्ड लेटर्स में दिखाया हुआ है, अब जो नया रेशियो होगा ए और बी, ए और सी का कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो वो 5:2 इनका नया रेशियो हो जाएगा जो उनका आपस में म्यूचुअल रेशियो, देखो ए का 5 है सी का 2 है, यही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी यही माना जाएगा आपके। यानी गुडविल का ट्रीटमेंट आपको जो करना होगा वो 5:2 में ही आपको करना होगा। तो आई होप आपको नो अदर इन्फॉर्मेशन केस समझ में आ गया होगा, बहुत इजीएस्ट केस है ये आपका। आइए नेक्स्ट मेथड लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड है आपका टेकिंग शेयर्स ओनली बाय वन पार्टनर। इसके अंदर क्या होगा, जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है या डेथ हुई है उसका पूरा शेयर कोई एक पार्टनर ही ले रहा है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बच रहे हैं उनमें से कोई एक पार्टनर ही उसका पूरा रेशियो ले रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन को आपको कैसे सोल्व करना है आइए समझ लेते हैं। देखिए एबीसी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, नाउ सी रिटायर्स एंड हिज होल शेयर इज टेकन बाय ए ओनली, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखिए अब यहां पे अंदर जो है सी रिटायर हो रहा है और पूरा हिस्सा ए ले रहा है, कैसे निकालेंगे नया रेशियो देख लेते हैं। देखिए सी का शेयर दिया हुआ है 1/6 है, अब ए जो है वो सी का पूरा शेयर ले रहा है, तो देखिए ए का जो शेयर है वो दिया हुआ है आपके 3/6 प्लस, अब वो साथ में किसका शेयर ले रहा है 1/6 सी का शेयर भी ले रहा है, 3/6 उसका खुद का है और सी का शेयर 1/6 ले रहा है। आप इसको जब सॉल्व करते हैं
तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 हुआ, इस एलसीएम को आप जब सॉल्व करते हैं तो 3 + 1 = 4/6, ए का न्यू प्रॉफिट जो आपका रेशियो आएगा 4/6 आएगा। अब बी तो रिटायरमेंट ले चुका है तो सॉरी सी ने रिटायरमेंट लिया है, बी ने नहीं लिया है, आई एम सॉरी, सी ने रिटायरमेंट लिया है तो अब बी का रेशियो तो गिवन है, बी का रेशियो कितना दिया ऑलरेडी 2/6 है, देखिए ऑलरेडी गिवन है। और अब आप बेस को देखते हैं तो बेस भी इक्वल है, तो यहां पे आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:2 हो जाएगा। इसको आप और सोल्व करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2:1 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। यानी जिस पार्टनर ने लिया है उसी में हमने एड कर दिया है, बाकी पार्टनर का रेशियो एजेटिज रहता है। ज्यादा से ज्यादा आपको बेस इक्वल करना होता है तो यहाँ पे 6 जो है बेस है वो भी इक्वल है, बराबर है, दोनों में 6:6 आ रहा है तो उसको भी हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं हुई। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 2:1 होगा यहाँ पे। अब अगर गेनिंग रेशियो की बात करें तो देखिए पूरा रेशियो एन ए लिया है तो 100% गेनिंग रेशियो ए का है, यानी ए का अगर अपन रेशियो की वैसे बात करें तो एन ए 1/6 लिया है तो ए का गेनिंग रेशियो 1/6 है, या इसको परसेंटेज में बोला जाए तो 100% जो गेनिंग रेशियो है वो आपका ए का है। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। देखिए एबीसी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2, नाउ ए रिटायर्स एंड हिज होल शेयर इज टेकन बाय सी ओनली, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखिए अब यहां पे क्या है, ए रिटायर हो रहा है और ए का पूरा हिस्सा अब सी ले रहा है, देखिए तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए ए का जो शेयर है वो 5/10 दिया हुआ है आपके, सी इसका पूरा शेयर ले रहा है ए का, तो देखिए बी का शेयर तो आपका एज इट इज रहेगा, बी का शेयर तो देखिए 3/10 है, उसमें गिवन है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे अभी। अब सी का जो शेयर है देखिए सी का शेयर दिया हुआ है आपके 2/10 सी का शेयर दिया हुआ है, अब साथ में वो ए का शेयर भी ले रहा है, ए का शेयर 5/10 है, 2/10 उसका पुराना है, 5/10 उसने ए का ले लिया। एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम 10 हुआ तो 10 को जब आप सोल्व करते हैं तो 2+5 नया जो रेशियो हो गया वो आपका सी का 7/10 हो गया। अब देखिए बी का भी 3/10 है और सी का 7/10, दोनों का 10-10 इक्वल है, बेस इक्वल है, तो यहां पे जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:7 हो गया आपकी, और जो गेनिंग रेशियो होगा वो 100% बाय सी है क्योंकि सी ने ही पूरा रेशियो लिया है, या इसको फ्रैक्शन में अगर अपन बोले तो सी ने 5/10 का जो है गेनिंग रेशियो गेन किया है। तो ये आपका टेकिंग शेयर ओनली बाय वन पार्टनर वाली इक्वेशन थी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।